अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुवरी, उठो उठो लक्ष्मी, उठो उठो। मेरा इतना अच्छा मेमोरेबल दिन तुम खराब करके सो नहीं सकती हो ऐसे, समझी? तुम उठो लक्ष्मी, उठो ना यार, अभी उठेगी। उठ गई तुम, लेकिन होश में कब आओगी लक्ष्मी? कब आओगी होश में? हाँ, मन तो करे तुम्हारे मुंह पे इतनी जोर से थप्पड़ मार दूँ। क्यों नहीं जा रही हो मेरे और ऋषि के बीच से? क्यों नहीं हट रही हो यार? तुम मुझसे क्यों बोल रही हो ये सब? मैंने क्या गलती की है? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो महान आत्मा हो ना, दुनिया की सबसे अच्छी औरत हो, देवी हो, भगवान हो, दूसरी भगवान का रूप हो तुम। तुमसे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती है। एनीवे, मैं जानती थी कि तुमसे ना बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम तो वही करोगे जो तुम्हें करना है, ऋषि को मुझसे अलग करने की कोशिश, उसे पाने की कोशिश। मलिष्का प्लीज, तुम मुझ पर शक करना कब बंद करोगी? जब तुम मेरी और ऋषि की जिंदगी से चली जाओगी हमेशा हमेशा के लिए, तब तब बंद करूंगी मैं शक करना। अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी दिल है, मुझे भी बुरा लगता है लक्ष्मी। एक बार खुद को मेरी जगह रख के देखो और मुझे खुद की जगह तुम मुझ पर शक नहीं करती? नहीं, मैं नहीं करती। कमाल हो यार लक्ष्मी, किसी भी किरदार में रहोगी, अपनी गेम्स खेलना बंद नहीं करोगी ना, खेल खेलती रहोगी, चालबाजी चलती रहोगी, राइट? इतना ही एटीट्यूड है तो तुमने आज नाटक क्यों किया? मैंने कोई नाटक नहीं किया है मलिष्का। अच्छा, सच में कोई इंसान था मेरे कमरे में, वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था यहीं पर, और फिर मैंने उसे धक्का दिया और मैं भागी। पता नहीं मुझे चक्कर कैसे आ गया। जब सर चकराता है ना लक्ष्मी, तो बेहोश होते हैं, सांस नहीं बंद हो जाती है। और तुम्हारी तो इस लेवल पे सांस बंद हो गई कि ऋषि को तुम्हें सांस देनी पड़ी, वो भी माउथ टू माउथ। हाँ, बोलो ना मलिष्का, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है, मैंने तुम्हें सब कुछ पहले से ही बता दिया है। अब अगर तुम्हें नाटक लग रहा है तो नाटक ही सही, और नहीं नहीं मानना है तो तुम्हारी मर्जी। एटीट्यूड कम समझी तुम? मुझे एटीट्यूड मत देना। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि तुम्हारे कमरे में आया कौन था? कौन था वो इंसान? हाँ, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।